देश भर में कोरोना संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में भी कोरोना के मामलों में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। आपको बता दें, बाहर से आ रहे लोगों ने यमुनानगर जिले की चिंता और बढ़ा दी है। वहीं CMO डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि आज यमुनानगर में 5 और कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें 4 पुरुष और 1 महिला है। मेरी जानकारी के अनुसार 3 लोगों की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है और 1 की नोएडा की ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं जगाधरी के गांधी धाम कॉलोनी, प्रहलादपुरी, जम्मू कॉलोनी, दशमेश कॉलोनी और 1 मामला फर्तपुर से सामने आया है। बता दें, सभी को COVID-19 अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल ये जितने भी लोगों के संपर्क में आए हैं उनका भी सैंपल लिया जा रहा है। वहीं इन इलाकों को पूरी तरह सील किया गया और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही सभी इलाकों को सैनिटाइज भी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी क्षेत्रों में सैंपलिंग करेगी। जानकारी के अनुसार यमुनानगर में कुल 16 मामले कोरोना पॉजिटिव है। साथ ही CMO ने सभी से अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके और ये संक्रमण ना फैले। देखिए, हमारे पास 5 रिपोर्ट आज और पॉजिटिव आई हैं, जिसमें 1 महिला है और 4 पुरुष हैं और ये अलग अलग जगह से हैं। जम्मू कॉलोनी से हैं, 1 गांधी धाम से हैं, 1 दशमेश कॉलोनी से, 1 फरकपुर से और 1 प्रहलादपुरी से। तो इनमें से 3 लोगों की जो दिल्ली से ट्रेवल की हिस्ट्री है, 1 व्यक्ति की नोएडा की हिस्ट्री है और 1 कॉन्टैक्ट, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जो 5 व्यक्ति हैं। तो 5 हमारे पास ये एक्टिव केस आ गए हैं नए। 11 हमारे पास पहले जो है वो एक्टिव केसेस थे, तो टोटल जिले में 16 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। सर, इसमें कब ये आए थे और क्या इनके ट्रैवल कब तक कब आए थे? ये अभी अभी हमारे पास आई है और हम इनको शिफ्ट करा रहे हैं। इनकी जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो बाकी पूरी डिटेल और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो अभी प्रक्रिया जारी है। वो हम निकाल रहे हैं कि इनके किसके आने के बाद किस किस के संपर्क में आए हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अमल में आएगी। स्टूडेंट नहीं, एरिया वो सील कर दिया गया। उसी एरिया में कंटेनमेंट मेजर लिए जा रहे हैं, सभी एरिया को कंटेन किया जा रहा है और हमारी जो हेल्थ की टीम है वो सब उन सभी एरियाज में जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ILIS सारी के सेंटर जो भी हमारा सर्वे जो है वो थोड़ी देर में प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी, कंटेनमेंट की प्रोसेस स्टार्ट। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।